iPhone SE 4। तो बेसिकली जो स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, बट अगर बात करें तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लीज निकल कर आ चुकी है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको काफी इंप्रूवमेंट्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक प्लान करें SE 3 को बाय करने का, या फिर आपको जो है आईफोन का एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन चाहिए, तो आपके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बेसिकली मैं बात करूँ सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट वो है स्मार्टफोन का डिजाइन। यानी कि अगर हम देखें तो प्रीवियस मॉडल का जो डिजाइन था वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता था। प्रीवियस से प्रीवियस मॉडल में आपको बिल्कुल भी डिजाइन क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंप्रूवमेंट्स नहीं देखने को मिलती थी। बट अगर बात करें यहां पर आपको SE 4 में इस बार इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां पर अगर डिजाइन इसका बिल्कुल सेम आया तो ये जो SE 4 है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, काफी डिसअपॉइंटेड हमें पॉइंट देखने को मिल जाएगा। शायद इसी कारण यहां पर आपको एप्पल को इस बार डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, तभी यहां पर ये सीरीज कंटिन्यू हो सकती है। बट अगर हम देखें तो इसका डिजाइन अगर बिल्कुल सेम आ गया तो शायद ये जो सीरीज है वो डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। बट अगर हम देखें तो डिजाइन इसका बिल्कुल चेंज होगा। तो ये जो स्मार्टफोन की बात करें तो इसकी जो प्राइसिंग आपको जो 40,000 के देखने को मिलती है, एप्पल की तरफ से एक बजट कैटेगरी में देखने को मिलती है। बट अगर बात करें तो ये जो प्राइस है वो आपको थोड़ी सी लिटिल बिट इंक्रीज तो देखने को मिलती है, बट ये जो स्मार्टफोन है वो आपको जो एप्पल की तरफ से देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिजाइन इसमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, डिस्प्ले आपको 5.7 इंच की देखने को मिल जाएगी और डिजाइन इसका बिल्कुल iPhone XR जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें चिपसेट की तो यहाँ पर आपको A15 चिपसेट ही देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी A16 चिपसेट बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर बात करें तो iPhone 14 सीरीज में जहां पर आपको 14 और 14 मैक्स देखने को मिलेंगे, वहां पर भी आपको इवन आपको A15 चिपसेट ही देखने को मिलेगी, और इसी कारण यहां पर आपको जो iPhone SE 4 में भी आपको A15 चिपसेट ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कैमरे की इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो आपको सेम 12 MP का ही कैमरा देखने को मिलेगा, सेम क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, शायद इसमें आपको लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिल जाए, सिनेमैटिक मोड का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट अगर हम देखें तो प्रीवियस मॉडल में आपको जो स्टाइल्स वगैरह देखने को मिल जाते थे, बट अगर बात करें यहां पर आपको जो iPhone SE 4 में कैमरा क्वालिटी में सिनेमैटिक मोड देखने को मिल सकता है, वो भी अगर बात करें तो 100% कंफर्म नहीं है, 50% चांसेस है कि यहां पर आपको देखने को मिल जाए। और इस फीचर के साथ आप काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट अगर बात करें तो वो है बैटरी क्वालिटी वाइज, यहां पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, 2 आवर्स प्लस बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू iPhone SE 3 से। प्राइस की अगर बात करें तो ये जो स्मार्टफोन आपको जो है 40,000 के अप्रॉक्स इसकी प्लस ही प्राइस देखने को मिलेगी। बट अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, या फिर आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, तो मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग अगर आप एक राइट नाउ स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको वेट नहीं करना चाहिए स्मार्टफोन के लिए। आप नेक्स्ट ईयर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में, तब तक आपके लिए iPhone 11 भी आप बाय कर सकते हो, iPhone 12 भी बाय कर सकते हो, 45,000-47,000 का आपको जो है iPhone 12 भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगर हम बात करें तो आप तब डिसाइड कर सकते हो कि आपको चेंज करना है। बट मेरे हिसाब से अगर आप iPhone 12 को बाय कर लो तो मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग iPhone SE 4 से तो आपको अच्छा ही देखने को मिल जाएगा, बट वहाँ पर आपको चिपसेट इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। बट अगर मैं मेरे ओपिनियन मानूँ तो आपके लिए iPhone 12 भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, iPhone 11 भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।